बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सिंपल शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये नहायत ही आसान है और इसके लिए मैंने एक पीस लिया है जो तकरीबन 2.5 मीटर का है। और चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सीधा कर लिया है और अब इसकी देखें, ये इसको डबल किया है, ये इसकी इस तरह किया है। और अब इस कटिंग करते हैं। मुझे शलवार की लेंथ चाहिए, थर्टी सिक्स, और इसके लिए मैंने लिया तकरीबन 40 इंच यानी कि। और ये मैंने इसको रखा है कि नीचे से इसको डबल करने के लिए, और यहाँ से ऊपर की तरफ इसको मोड़ने के लिए। इसमें और इसके लिए पांचा चाहिए मुझे 8 इंच, तो 8 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। और यहाँ से मुझे चाहिए तकरीबन 17 इंच। अब हम इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन इसकी सिलाई के लिए छोड़ेंगे। शलवार की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग का इसकी ये दोनों साइडें लेके आसन की जगह सिलाई करने लगी हूँ, और यहाँ से थोड़ी जगह छोड़नी, इसको यहाँ से डबल करना है। इसी तरह आप दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसको डबल करूंगी मैं और सिलाई करूंगी। अब ये सिलाई हो चुका है यहाँ से। अब हम नीचे से पंचा सिलाई करेंगे, और इसके लिए मैंने इस्त्री के साथ इसकी स्टिफल चिपका ली। अगर आप चाहें तो उसको लादा भी लादा कपड़े पे लगा के भी सिलाई कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे पंचे की सिलाई लगा लेते हैं।
हमारे पास एक सिलाई तैयार है, अब हम इसको सिलाई करेंगे। दरमियान की दोनों सिलाइयों को पकड़ के बराबर करके सही तरह ये सिलाई लगा। इसी तरह दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। हमारी शलवार तैयार हो चुकी है और नहायत ईजी है शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें।